मध्य प्रदेश मौसम में सियासी बवाल होगा जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बैठक माँ एंट्री नहीं मिले से जिला पंचायत अध्यक्षा नाराज हुई कि उल्टे पांव घर वापस चली गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्षा भावुक होत नजर आई। मामले के वीडियो गला सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। तो उन्हें क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम करी थे शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना से यह मामला सामने आवा जहाँ सीएम मोहन यादव के बैठक से पहले बैठक में एंट्री नहीं मिले पर जिला पंचायत अध्यक्षा नाराज हुई कि अपन घर लौट गई। जानकारी के मुताबिक मुरैना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव के कलेक्टर कार्यालय में बैठक चलत रही। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षा का एंट्री नहीं मिली। बैठक में शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्षा आरती गुर्जर जैसे कलेक्टर कार्यालय पहुंची तक अपर कलेक्टर सीवी प्रसाद के द्वारा उनका दरवाजे में रोक देगा। जिला पंचायत अध्यक्षा आरती गुर्जर के द्वारा कहा गया कि पहले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अनुमति नहीं मिली और आज के कार्यक्रम में अपर कलेक्टर के द्वारा भीतर नहीं जाए देगा जिसके कारण नाराज हो गए। जिला पंचायत अध्यक्षा अपने घर वापस लौट गई। एंट्री नहीं मिले पर उनके द्वारा मीडिया से अपन नाराजगी जताई गई जबकि बाहर निकले के दौरान के वीडियो जो उन्हें सोशल मीडिया में वायरल था। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्षा कैमरा के सामने भावुक होत नजर आई। सजग रही सतर्क रही रखी आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत प्रणाम। ठीक है चलो आराम से आराम से आराम से आराम से एक आज हमारे जिले में पहली बार माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनकर हमारे जिले में मुरैना जिले में आए हुए हैं। उनकी कलेक्टर में मीटिंग रखी गई है, उसमें मेरा नाम नहीं है इसलिए मैं कलेक्टर से बाहर जा रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने आपसे? मुझे मेरा नाम नहीं है उसमें, मुझे मेरा जाना उचित नहीं है उधर, तो मेरे यही उचित समझा कि मैं कलेक्टर से बाहर जा रहा हूँ। विधायकों का नाम है, मेरा नाम नहीं है। किसने रोका है आपको? एडीएम ने। पहले भी कभी रोका गया है? मनु श्रीवास्तव जी आए हुए थे हमारे चंबल के प्रभारी थे, तब भी मेरा नाम नहीं था और आज भी मुख्यमंत्री जी आए हैं तब भी मेरा नाम। क्या आप इसकी शिकायत करेंगे ऊपर हाईकमान से? मैं अपनी बात आप लोगों के द्वारा पहुंचाऊंगी, आप मेरा सहारा बने। अगला कदम क्या है? अब आप आक्रोशित हो के जा रहे हैं, क्या कदम? मैं अपने संगठन में बात करूंगी कि मेरा नाम क्यों नहीं है, मैं अपने पार्टी से बात करूंगी। जब वो इतने अच्छे प्रोटोकॉल रख रही है तो ये अधिकारी क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं उस प्रोटोकॉल को? अध्यक्ष का होना मुख्यमंत्री जी के साथ इम्पोर्टेंट है या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद।